जय भीम। मैं महाराष्ट्र से और उसमें से वो ब्राह्मणवादी जो पूना है वहाँ से हूँ, लेकिन उनके छाती पे बैठकर भीम आर्मी का काम उधर करता हूँ। यहाँ की योगी और जो मोदी सरकार है ये ऐसी सरकार है जो जो दलितों के लिए काम करेगा, जो जो मुस्लिमों के लिए काम करेगा, जो जो यहाँ के बहुजन समाज के सारे कुछ प्रश्न लेकर रास्ते पे आएगा उसको उसको देशद्रोही बनाने का उनका वो प्लान है। क्योंकि ये आरएसएस की चाल है, ये मोहन भागवत की चाल है और उसी तरीके से ये पूरी सिस्टम काम कर रही है। आज आजाद भाई ने जो संघर्ष खड़ा कर दिया उस संघर्ष आज वहाँ से निकल कर पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में चला गया। आज महाराष्ट्र में भीम आर्मी एक ऐसी संगठन बन गई कि वहाँ का मुख्यमंत्री और वहाँ के सारा मंत्रिमंडल भीम आर्मी के नाम से डरता है। क्योंकि भीम आर्मी आने के बाद वहाँ के जो अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ में जो आंदोलन शुरू हो गए, स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स है, स्कॉलरशिप के मुद्दे उसके खिलाफ में महाराष्ट्र में जो आंदोलन शुरू हो गए, वहाँ का मुस्लिम कम्युनिटी है उसको जो सुरक्षा देने के लिए महाराष्ट्र में हमने आंदोलन शुरू कर दिया, और ये सब जो आंदोलन हमने शुरू किए हैं वो आजाद भाई के नेतृत्व में हमने शुरू किए हैं, और आने वाले दिनों में आजाद भाई का नेतृत्व महाराष्ट्र में आज गाँव गाँव तक हर घर में लेके जाएंगे। और जो रासुका लगा है, ये रासुका लगाने का जो काम वो योगी ने किया है, वो योगी को हम ये कहना चाहते हैं ये रासुका तुरंत निकालो। आज अंबेडकरी जनता, अंबेडकरी युवक, अंबेडकरी लोग आज चुप है, इसका मतलब ये काफी दिन तक नहीं रहेगा। जिस दिन हम रास्ते पे आ जाएंगे पूरे देश में उस दिन योगी को यहाँ से कपड़े निकाल के भेज देंगे उसके घर, ये उसने ध्यान में लेना चाहिए। और महाराष्ट्र में हम आजाद भाई के साथ है, और आने वाले दिनों में ये संघर्ष जैसा जैसा बढ़ता जाएगा आपको आप देख लेंगे टीवी पे, महाराष्ट्र में उसका ये जबरदस्त संगठन हम ये खड़ा कर देंगे और भाई के लिए हम काम करेंगे। और ये दिल से बोल रहे जय भीम, जय भीम, ये करो और ये करो, या करो या करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।